आपने एमकॉम कर रखा है तो ये तैयारी आपको कब से करना है? सर थोड़ा लंबा है नहीं मैं समय बता दी होटल तेरह में सर मैं बनारस आया हूँ तब से सर शुरू हुआ है क्योंकि बीच में सर बाराबंकी में था। आपने का कोई ड्रीम फेस नहीं किया? नहीं सर मैं इस क्वालिफाई नहीं कर पाया। नहीं सर मतलब 13 में आया तो दिया नहीं सर 14 में भी नहीं दे पाया सर कुछ। आप भी कॉमर्स का स्टूडेंट हैं और आपने डिफेंस स्टडीज और सोशल वर्क ले लिया है? हाँ सर कॉमर्स छोड़ दिया। आसान के साथ सर ये है कि हमारे सब्जेक्ट साथ ये है कि सर थोड़ा प्रैक्टिकल मैच करता है सर वो थोड़ा छूट जाता है तो चीज़ें थोड़ी बोलती हैं इंट्री ये सब संबंधित होता है सर। कॉमर्स में अगर उस चीज़ को देखा जाए तो जनरली मैथ्स में सर वो प्रैक्टिकल भी पूछ मतलब सर थोड़ा कविता वितर करना थोड़ा अच्छा लिखा गया पोइट्री सर मुझे अप्रोप्रिएट याद नहीं आ रहा था सर मैंने गूगल से खोजा है। पोइट्रीज तो नहीं है? नहीं नहीं पोइट्रीज तो ये गूगल आप लिखते हैं या क्या बात है किस बात में? सर हिंदी में लिखते हैं। तो पांच कविताएं लिखते हैं? पांच कविताएं नहीं सर दुकान लिखते हैं सर। कविताएं लिखते हैं नहीं सर गद्य नहीं पद में थोड़ा सा होता है सर वो बाराबंकी का लक्षण है सर बाराबंकी में गए थे सर जब लगभग रहे थे तो किससे प्रभावित हैं किस लेखक से या सर हमें ये इंदौरी साहब बहुत अच्छा राहत इंदौरी हाँ तो शायद हम उर्दू हाँ सर मतलब वो लिखने में भी हैं सर वो कुछ करता है गजल वजल सब लिखते हैं सर। चलिए कोई बात ये जो हमारी राष्ट्रीय पृष्ठभूमि है उसका निकाला हम करें गूगल फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भारत के सुंदर भारत के पहले गवर्नर कौन थे? सर राजगोपाल जी माउंटबेटन थे उसके बाद सर राजगोपाल जी पहले कौन थे? हाँ सर पहले हाँ सर माउंटबेटन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे क्या सर 47 सर डेट सर कोई ये 14 क्या 14 देखो आधे वक्त में जो 14 47 14 के आगे कोई महीना होगा 14 अगस्त 14 अगस्त क्या उनको एक दिन पहले मिल गए थे क्या? हाँ सर वो निकले मतलब जब ये अलग हुए थे तो इन लोग को वाई द सेम टाइम दे द टू कंट्री वर क्रिएटेड इंडिया एंड पाकिस्तान दे सेलिब्रेट ऑन 14 वी सेलिब्रेट ऑन 15 वाई सर जो माउंटबेटन में सर थे ये प्लान जो डिवाइडेड का सर प्लान बनाया था उन्होंने सर वही पहले वहाँ का तक काम करा कि यहाँ किया नहीं नहीं सर यहाँ यहाँ पे सर यहाँ आके सर वो पास हुआ था ना कि मतलब एक योजना एक ही समय हुआ तो ट्रेन का डबल क्यों डाले पड़े आपको क्या ऑप्शन था सर? सोशल डिफेंस डिफेंस मैं ये बताइए आपकी इंडिया का जो मलक्का डायलेमा या साजो डायलेमा ये सब सुने इंडिया में सर मलक्का सर यहाँ श्रीलंका क्या क्या श्रीलंका के पास ध्यान देखिए कहाँ है मलक्का लोकेट किया मैप में कभी आपने मलक्का स्टेट हाँ सर ये इंडोनेशिया पास पड़ता है सर किन दो समुद्रों को जोड़ता है सर ये सर हिंद महासागर को साउथ चाइना सी से सर साउथ चाइना सी महासागर है कि सी है सर सी तो किस महासागर सर महासागर पड़ता है एग्जैक्टली और हॉर्मुज हॉर्मुज कहाँ सर हिंदी बताएंगे और वो जो नाम है इसमें हिंदी में क्या होता है तो नाम है हॉर्मुज डायलेमा चाबहार सुना है हाँ चाबहार बंदरगाह सर चाबहार से हमें क्या लाभ है सर चाबहार से सर हम एक अगर अगर हमारा वेस्ट पॉलिसी देखा जैसे सर लुक ईस्ट है वैसे सर लुक वेस्ट कहते हैं सर तो सर ईरान चाबहार बना है सर भारत की लुक ईस्ट मतलब लुक वेस्ट पॉलिसी का सर एक बहुत लाभ क्या है सर उससे ये होगा सर हमें जो वेस्ट कंट्री है सर जो पश्चिमी देश है सर उनसे व्यापार करने में काफ़ी आसानी मिलेगी सर तो वो तो हम वैसे भी कर सकते हैं सर नहीं सर हमारे साथ अगर स्थली देखी जाए तो स्थली समस्याएं ही आती है अभी तक उसके बिना व्यापार कैसे हो रहा था पश्चिम देशों से सर हमें लंबा टर्न करना पड़ता था सर
वहाँ से कहीं भी आगे जा ही नहीं सकते चार बार से, लास्ट से वो तो रेड सी से जाना है, आपने मैप नहीं देखा ठीक से। सर रेड सी समझ रहे हैं सर, वो आतंक की खाड़ी से होकर जाना है, वो तो रास्ता स्वेज नहर से यूरोप को पहले से बना हुआ है, ये चार बाहर तो बंद है, वहाँ से आगे है ही नहीं कुछ और कहीं जाने के लिए हो रहा हो, सोचो जरा सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान। हाँ सर ये भाई अफगानिस्तान सर, ये अस्काबाद जो समझौता हुआ है सर, अस्काबाद समझौता हुआ सर उसका पार्ट है, संविधान जब देखा क्रिमिनल को पता है वो दिखाया था कि हम सॉवरन कंट्रीज क्या मायने होते हैं, संप्रभु राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र मतलब सर अपने आप में सर हम संप्रभुता के मायने क्या होते हैं, संप्रभुता मतलब सर ये हमारा अपना कानून हो और वो किसी और से डायरेक्ट ना होता हो, हमारी ही सरकार हो, संप्रभु मतलब हम किसी के जैसे सर, वो जो उपनिवेश है वो उपनिवेश वाली स्थिति ना हो, हम खुद अपने में स्वतंत्र हो। अच्छा ये हमने जो मूर्तियाँ लगी देखी हैं अम्बेडकर साहब की, जी सर उसमें हमने देखा सर उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या अम्बेडकर साहब की भूमिका कहाँ थी इसमें? सर वो प्रारूप समिति के सर अध्यक्ष थे सर, उनका सर मेन रोल ये था कि जो संविधान सर पूरा बन गया था, मतलब बीएन राव सर, बीएन राव उनकी पूरी समिति का उन्होंने अध्ययन करके सर ने एक समिति उसका नाम था कुछ जिसने पूरा ड्राफ्ट किया था सर, ड्राफ्टिंग समिति प्रारूप समिति वही था, प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष यही रहे, इन्होंने ड्राफ्ट किया होगा पर राव कहाँ से आ गए? नहीं सर उन्होंने अध्ययन जो संकलन करके दिया सर, राव की ऑफिशियल पोजिशन क्या थी बीएन राव की? सर ये वो सलाहकार थे सर, ये क्या कहते हैं कानूनी सलाहकार, तो कौन बनाएगा सलाहकार बनाएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगा? नहीं सर उनका कार्य था सर कि बी एन राव लगभग सर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात आई तो उसमें सर एक अध्ययन करने की बात आई कि अलग अलग जैसे हमारा संविधान कहा जाता है कि मतलब सर कई देशों से प्रभावित है, तब ऐसी स्थिति में सर बी एन राव को भी ये कहा गया कि आप अध्ययन करें, मतलब जो आप लोग कहते हैं बातचीत हमने सुना है कई देशों से प्रभावित है क्या मायने करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे रख दिए गए थे पाँच लोग? नहीं सर उससे आइडियाज लिए गए थे हमारे भारत के हिसाब से उसे लागू करने को, मतलब ऐसा नहीं कि वो हूबहू कॉपी कर दिया गया। आई पी सी मालूम कब ड्राफ्ट हुआ था? सुप्रीम करंट कोर्ट किसने ड्राफ्ट किया? सी आई पी सी सर नहीं देखिए नहीं किसने ड्राफ्ट किया था पता ये पता ये जो आई पी सी सी आर पी सी हमारे आज काम करता है किसने ड्राफ्ट किया था? संविधान से आई पी सी आई पी सी करना भाई कैसे बन सकते हो? क्योंकि सर वो संविधान के आधार आई पी सी में से इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड का संविधान से क्या मतलब? सर संविधान से ये संबंध हो सकता है? देखिए ऐसा है जो प्रश्न मैंने पूछे थे आपसे उनके लिहाज से आप थोड़ा और पूछिए ठीक है। आई पी सी आदि में मकाले लिखे हैं 1860 की बात है, 1860 की बात है कॉन्स्टिट्यूशन बना के 1950 में एक आप थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं कि जो चीज़ आपको पता नहीं जी सर उसको क्यों बोलते हैं इस चार बाहर का नहीं आपने पढ़े नहीं था ये आपको याद नहीं था आपने जस्ट अपोजिट आंसर दे दिया और मुझके लिए आपने पूछा पूछा हिंदी में बताइए बोलना नहीं चाहिए वहाँ पर सॉरी करके जैसे सर अगर चाबहार देखा जाए तो सर लोग स्वेस्ट पॉलिसी का हिस्सा है सर, तो उससे वहाँ सेंट्रल एशिया जाना है वेस्ट एशिया नहीं जाना। आपसे ये कहा गया ना आपसे दुबर थे यहाँ सर सर हाँ मतलब वो पहली बात ये जान लीजिए अच्छे तरीके से कि संविधान कब बना कब उसका एग्जीक्यूशन शुरू हुआ आई पी सी सी आर पी सी कब बने थे दोनों आपस में कोई रंग नहीं चीज़ नहीं आई पी सी सी आर पी तो इंग्लिश पीरियड में करके तैयार हो गए तब चल इवन हमारा जेल मनु आज तक अमेंड नहीं हुआ तो हो जाना चाहिए था कई बार आपको लगता है सर एक चीज़ पूछना था सर कि जैसे सर मैंने आज से मेडिकल लिया है सर सर हम प्राइमरी टीचर जानते हैं सर तो रोज में जाना था सर मैं एक क्योरी है सर कि क्या मैं सर मेडिकल में इंटरव्यू दे सकता हूँ सर? नहीं मेडिकल में मेडिकल तो बेड रेस्ट में होना चाहिए
आप जब जाएंगे तो चूंकि हमें कोई छुट्टी मिलती नहीं पढ़ने के लिए सर, तो आज से मैं छुट्टी लिया हूँ सर, आ जाए तो छुट्टी आगे आप ज्वाइन कर लीजिए। नहीं सर, उसी के आसपास ज्वाइन करूंगा सर। आपका जिस दिनों से दो एक दिन पहले ज्वाइन मिली, उसमें बता दीजिए। सीएल मेरा 14 खत्म हो गया था सर, तो मजबूरी थी लगभग सर, पढ़ना बहुत ज्यादा है। और ईएल होती है आरडी? नहीं सर, हम लोग को नहीं मिलती वैसे भी। डेट कब मिलती है? यू मस्ट बी ऑन लीव ऑन सर, जो वहां उधर आपको लीव में रहना है, समझ करिए। लीव तो लेनी पड़ेगी, मिल जाएगी भाई। चलिए भेजिए।